इस समय हमारे साथ लोक सेवा प्रबंधन और कारागार मंत्री जय कुमार सिंह जी हैं। जैकी, तो आइए जानते हैं, योगी सरकार में ये मंत्री हैं तो इनकी प्राथमिकता कारागार और लोक प्रबंधन को लेकर क्या रहने वाली है? सरकार पूरे एक्शन मोड में है, जो भी चीजें जरूरत की होंगी उन्हें किया जाएगा, कोई भी दिक्कत जेल में नहीं रहेगी, काम शुरू हो गया है और सारे अधिकारी अपनी अपनी जगह में काम करना शुरू कर दिया है। जहाँ विकास की बात है तो विकास का एजेंडा सरकार ने पहले ही प्राथमिकता में कर रखा है। जहानाबाद विधानसभा का चौमुखी विकास होगा और वहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार, जो पिछली सरकारों ने जैसे राशन की व्यवस्था पर बहुत गरीबों का के साथ अत्याचार हुआ है और गरीबों का हक नहीं मिला है, उसे त्वरित MLA बनने के बाद जिस तरह से लोगों को लाभ मिलना शुरू हुआ है तो एक आशा की किरण जगी है। अच्छा, एंटी रोमियो जिस तरीके से काम कर रहा है, योगी सरकार आते ही जो इस तरीके से एंटी रोमियो काम कर रहा है, नौजवानों को बिना किसी कारण जो है, और कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इस बंदे को पकड़ा जाए या उस बंदे को पकड़ा जाए। एंटी रोमियो में किसी भी गलत व्यक्ति को नहीं पकड़ा जा रहा, उसमें शादी वर्दी में सारे लोग हैं, और अगर कोई किसी भी लड़की को कोई छेड़छाड़ करता है या उससे कोई भद्दी बात करता है या चलने फिरने में उसे कोई दिक्कत परेशानी होती है, ये हम आपको लगता होगा, बाकी पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी ने उस पर पारदर्शिता रखी है कि किसी भी लड़की को रात 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे, हम आए हैं सबका साथ सबका विकास। और हमने नारा दिया था कि हमारी सरकार होगी तो महिलाएं रात में स्वच्छंदता से घूम सकती हैं, उसी के लिए किया गया है। जैसे इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो बालिक लोग हैं, लड़के और लड़कियां, अगर कोई दोस्त हैं और पार्क में बैठे हैं अपनी बात कर रहे हैं, पुलिस उस पर भी परेशान करती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस तरह के लोगों पर कोई भी ये कानून काम नहीं करेगा, और वो स्वच्छता से अगर बालिक है बात कर रहे हैं उस पर प्रशासन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। योगी सरकार ने लाल बत्ती को लेकर बड़ा फैसला किया है, उन्होंने कहा है कि अब लाल बत्ती मंत्री नहीं यूज कर पाएंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, लाल बत्ती यूज करेंगे मंत्री, लाल बत्ती पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अन्य सरकारों और हम में अंतर होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से लोगों को बहुत प्रचंड बहुमत मिला है, तो बहुत अपेक्षाएं, हम गठबंधन में हैं भारतीय जनता पार्टी और अपना दल, तो इस कारण से लोगों की जो अपेक्षाएं, सड़क चलते आप जैसे हजरतगंज चौराहे से आप जा रहे हैं, मार्केट करने लोग निकले, हम हूटर और सायरन का अनावश्यक उपयोग करते हैं, तो हमें हूटर का प्रयोग आवश्यकता पर करना है, नहीं करना ये नहीं है, करना है जहाँ बहुत आवश्यकता हो। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से योगी सरकार, जिस तरीके से उन्होंने जो है निर्णय लिया, क्या आपको लगता है कि ठीक मोदी सरकार के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास योगी सरकार करेगी उत्तर प्रदेश में? ठीक काम करेगी, एक माह के अंदर आपको एक्शन दिखेगा और दिखना शुरू हो गया होगा। हमने एक संकल्प पत्र जो दिया है उस पर काम हो रहा है, इंतजार करिए, 3 माह के अंदर आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश में जो लोगों की अपेक्षाएं थी वैसा सरकार काम कर रही है। कत्ल खाने जिस तरीके से योगी सरकार बंद करवा रही है, क्या लगता है आपको कि बहुत जल्दी में नहीं है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास लाइसेंस है लेकिन फिर भी जो है उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जितने भी कत्ल खाने बंद किए जा रहे हैं वो अवैध कत्ल खाने हैं, और जिनके लाइसेंस हैं उन्हें लाइसेंस पर जो मानक है, मानक के अनुसार अगर वो नहीं चल रहे हैं तो उन्हें बंद किए जाएंगे, मानक के अनुसार रहे। ये थे हमारे साथ जय कुमार सिंह जैकी जी, जो कारागार राज्य मंत्री हैं और जो योगी सरकार में मंत्री हैं और बहुत तेजी से काम करने का प्रयास करेंगे, ऐसा उनका कहना है, और जो व्यवस्थाएं हैं कारागार में उनको भी सुधारने का प्रयास करेंगे, इस तरीके की बातें उन्होंने कही है। तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरीके से ये अपना मंत्रालय चलाते हैं। कैमरामैन राणा के साथ मैं राम बाबू, TV इंडिया लाइव लखनऊ से।